जीत का आशीर्वाद और शत्रुओं को परास्त करने का वरदान देने वाले रणजीत हनुमान की अटूट आस्था का बड़ा केंद्र है इंदौर का प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर। यहाँ प्रतिवर्षानुसार इस साल भी रणजीत अष्टमी के पावन मौके पर विशाल प्रभात फेरी निकलने वाली है। आइए जानते हैं रणजीत बाबा की महिमा के इन अद्वितीय रंगों के बारे में। ये है हनुमान भक्ति के अभिन्न रंगों का बड़ा केंद्र, इंदौर के प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर। यहाँ भक्त बिना किसी भय के जीत का आशीर्वाद पाने आते हैं और रणजीत महिमा के अनुपम दर्शन पाते हैं। रणजीत अष्टमी का पावन मौका यहाँ हर साल आस्था का भव्य सैलाब लेकर आता है, जहाँ भक्त हनुमान गुणगान का प्रकाश पाते हैं। खास बात यह है कि इस अष्टमी के मौके पर भगवान हनुमान जब भक्तों को दर्शन देने रथ पर निकलते हैं, तो लाखों हाथ स्वर्ण रथ को रफ्तार देते हैं। अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलने वाली प्रभात फेरी रणजीत बाबा का असंख्य भक्तों की भक्ति और शक्ति का संचार भी करती है। प्रभात फेरी से पहले हवन यज्ञ कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हनुमान जी को यहाँ लाखों रक्षा सूत्रों से पूजा जाता है और फिर रक्षा सूत्र भक्तों को निशुल्क दिए जाते हैं। करीब 180 सालों पहले शुरू हुई प्रभात फेरी की ये परंपरा आज एक विशाल स्वरूप में पूरे भारत देश में सबसे ऊंचा स्थान रखती है और बिना द्वार के आग्नेय कोण में विराजे रणजीत बाबा भी भक्तों को रण जीतने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुजारी जी भी मानते हैं कि ये प्रभात फेरी आज धर्म क्षेत्र में किसी अनुपम प्रेरणा से कम नहीं। ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी मोती निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश पादम वज्र ध्वज विराज कांधे मूंज जनेऊ जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयत चातुर राम काज करि लेको आतुर प्रभु चरित्र सुनि लेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरिसि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर समारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सयस जीवन लखन जियाये श्री रघुवीर हर विवर लाये रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई कहा भरत सम तुम प्रिय भाई लंकेश्वर जाना युग सहस्र योजन परमानु लीयोताही मधुर पर जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जन धीरा की गया गरज नाही दुर्गम गान जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम जेते राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु बैठारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज समारोह आपे जीनो लोक हांक दे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे कौसे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम राय सिर ताजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो लावे ताजु अमित जीवन फल पावे चारो युग परताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगति उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सादर तुम रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे रघुपति पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट हटई मिटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनाई व्यास कुमार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महा सुख होई जो यह बने हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि जय राखी जय माधव हृदय महादेरा। आज के इस घोर कलयुग में यदि प्रभु श्री राम के अनुनम भक्त प्रभु हनुमान की भक्ति आपको देखनी है तो इंदौर के प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर आप चले आइए। जी हाँ, रणजीत अष्टमी के मौके पर यहाँ पर
ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात फेरी निकालने की एक पुरानी परंपरा है। ये किस तरह की परंपरा है और इसके लिए कैसे स्वर्ण रथ भी तैयार है और अब पूजा पूरी तरह से अपने चरम पर, सीधे बात करते हैं श्री पुजारी जी से। रणजीत अष्टमी का क्या महत्व है पुजारी जी, सबसे पहले ही जानना चाहेंगे, और किस तरह से रणजीत का आशीर्वाद भी यहाँ पर आकर प्राप्त करते हैं। रणजीत अष्टमी का पर्व प्राचीन काल से ही मंदिर परिसर में मनाया जाता रहा है। 130 वर्ष प्राचीन यह परंपरा है। रणजीत अष्टमी का मुख्य महत्व यह है कि जब सुग्रीव ने सभी वानरों को आदेश दिया था कि आप सब लोग जाएं और सभी दिशाओं में सीता का पता लगा कर आएँ, तब कोई भी वानर उसमें सक्षम नहीं हो पाया था, किंतु हनुमान जी ही जाकर सीता का पता लगा कर आए थे, तो सभी वानरों की जान भी अपरोक्ष रूप से हनुमान जी ने बचाई थी। और जब सीता जी की खबर उन्होंने राम जी को सुनाई थी, तो राम जी ने बड़े भावविभोर होकर उनको अपने गले से लगा लिया था। तब सभी वानरों ने हनुमान जी को अपने कंधों पर बिठाकर पूरे जंगल में परिभ्रमण कराया था, उनका विजयी जुलूस निकाला था। उसी का एक प्रतीकात्मक स्वरूप इस मंदिर पर परंपरा अनुसार चला आ रहा है, जिसमें सभी भक्त रस्सी पर भगवान को विराजित कर पूरे क्षेत्र में भ्रमण कराते हैं। तो ये उसी का प्रतीकात्मक स्वरूप है जो इस मंदिर पर पिछले 130 वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है। प्राचीन काल में जो परदादाजी थे हमारे, वो बाबा की प्रतिमा को हाथ में लेकर यहाँ पर तस्वीर को घूमते थे। उसके बाद में ठेले पर हम लोग जाने लगे, तब पश्चात एक रथ हम लोगों ने किराए से किया। किंतु विगत 3 वर्ष पूर्व सभी भक्तों की इच्छा हुई कि चूंकि बाबा सबको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ प्रदान करते हैं, तो बाबा के लिए क्यों ना एक स्वर्ण रथ बनाया जाए। तो सभी भक्तों के सहयोग से 25 लाख रुपए की लागत से ये बाबा का स्वर्ण रथ यहाँ पर तैयार किया है। तब पिछले 3 वर्षों से लगातार बाबा इस पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने नगर में भ्रमण करने निकलते हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, रणजीत अष्टमी का मौका होता है और भगवान हनुमान खुद जो है भक्तों के बीच में जाते हैं, तो कैसा विहंगम ये नज़ारा होता है, और इस साल किस तरह से इस प्रभात फेरी के लिए आपने कुछ नया करने के लिए, कुछ अनुपम करने का भी प्रयास किया? 4 दिवसीय उत्सव मंदिर पर आयोजित होता आ रहा है। 26 दिसंबर को दीपोत्सव भजन संध्या का आयोजन था, कल आमंत्रण यात्रा थी, आज जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा का विग्रह प्रतिमा का महाभिषेक यहाँ पर चल रहा है, तथा 1 लाख रक्षा सूत्रों को यहाँ पर अभिमंत्रित किया जा रहा है मंत्रों के द्वारा, जो कल सभी भक्तों को निःशुल्क यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। कल सुबह प्रातः 5 बजे यहाँ से प्रभात फेरी का आयोजन होगा, जिसमें 1.5 से 2 लाख भक्त जो कि गुजरात, राजस्थान, विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आएंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से यहाँ पर पधारेंगे तथा बाबा का आशीर्वाद वो लोग लेंगे। मुख्य विशेषता यह रहेगी कि यहाँ पर इस बार 3 विशेष ड्रोन से जो है बाबा के ऊपर पुष्प वर्षा यहाँ पर की जाएगी। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए नहीं आ पाते, वो इस वक्त आपको जो देख सुन रहे हैं, उनके लिए क्या खास आशीर्वाद होगा? और रणजीत हनुमान जी के ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई द्वार नहीं है, तो इसकी क्या खास बात है, इसकी क्या विशेषता है, क्या इसका भी कोई प्राचीन और पौराणिक महत्व है? बाबा की जो प्रतिमा है वो आग्नेयमुखी है, हमेशा हम लोग हनुमान जी देखते हैं तो पूर्व मुखी मिलते हैं, दक्षिण मुखी मिलते हैं। इकलौता मंदिर ऐसा है जहाँ बाबा की प्रतिमा आग्नेय कोण में है, आग्नेयमुखी है, तथा बाबा का मुख खुला हुआ है। और प्रमुख विशेषता है कि 24 घंटे बाबा का दरबार खुला रहता है अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए, उनकी समस्या के निदान के लिए। जो भक्त दूर से बाबा के दर्शन कर रहे हैं, वैसे बाबा का ध्यान करें, मंगलवार को 2 अगरबत्ती रिद्धि रंजीत बाबा के नाम से लगाएंगे, तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग्नेय कोण में विराजमान है बाबा रणजीत, और अब जब प्रभात फेरी निकलने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में भक्तों को भी इंतजार है कि कब उन्हें वो सुनहरा मौका मिलेगा कि वो रणजीत हनुमान जी के स्वर्ण रथ को रफ्तार देंगे। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News इंदौर।